सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाकर ऑल को ऑन कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक प्रिंटेड कुर्ती के लिए नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। लेंथ इसकी मेरे पास 5.5 इंच है और फोल्ड में इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। इस पर हम बोट शेप नेक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम 3.5 इंच नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे और जहाँ पर हम 4.5 इंच लेंथ रखेंगे नेक की, अब उसके बाद जहाँ पर हम इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर हम एक राउंड शेप देंगे बोट शेप के लिए और जहाँ पर हम 1 इंच के गैप पर इस तरह से एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद जहाँ से हम नेक की कटिंग कर देंगे जी, देखिए इस तरह से हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम कुर्ती के साथ मैचिंग कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा है उस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगाएंगे। उसके बाद इस नेक को हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सेंटर में निशान लगाएंगे। इस नेक को हमने अपनी कुर्ती की रॉन्ग साइड ऊपर अटैच करना है, तो मैंने ये कुर्ती की रॉन्ग साइड को ऊपर रखा है, तो उसके लिए हम दोनों साइड 3.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और इस नेक को हम इस तरह से रॉन्ग साइड रखते हुए अटैच कर देंगे। सबसे पहले एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद जहाँ पर हम नेक के बुकरम के बिल्कुल पास सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के पास लगाएंगे इस तरह से कि देखिए। अब उसके बाद जहाँ से हम हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे और जहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे, ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट ना हो। कि देखिए, अब उसके बाद इस नेक को हम सीधी साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगाएंगे। जी देखिए, अब उसके बाद जैसे मेरी कुर्ती में काफ़ी कलर हैं, तो इसमें मैंने ब्लैक और रेड कलर को यूज़ किया है, तो उसके लिए मैंने जो स्क्वेयर पीस कट किए हैं प्लेन फैब्रिक के, जो 2-2 इंच के हैं जी, देखिए इनके साथ ही हम नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्लैक फैब्रिक को जी देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका ट्राइंगल बनाएंगे और इसी तरह से इसका भी रेड कलर का भी हमने इसी तरह से ट्रायंगल बनाते हुए इसके ऊपर ऐसे प्लेस करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, अब दूसरे पीसेस को भी हमने इसी तरह से रेडी करना है, इनके ऊपर प्लेस करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सारे पीसेस को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे जी, देखिए इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब उसके बाद इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, इन्हें अलग अलग करेंगे। अब जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जी देखिए नीचे से, इसको भी हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर दिया है। अब उसके बाद कुर्ती के नेक के ऊपर ऊपर से हम जहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए देखिए, जहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे
ऊपर से अब जहाँ पर हम इस तरह से इन ट्रायंगल को अटैच करेंगे। जी देखिए, इसी तरह से हम सारे नेक के ऊपर इस ट्रायंगल को अटैच कर देंगे। और जहाँ से भी हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा शोल्डर में चला जाएगा। अब उसके बाद इस नेक के टॉप के ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे, जहाँ पर ये देखिए इस तरह से जो हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। और जो जहाँ पर मैंने रफ स्टिच लगाई थी उन स्टिच को भी हमने जहाँ से रिमूव कर दिया है। देखिए प्रिंटेड कुर्ती के लिए ये बहुत ही सूटेबल डिज़ाइन है। आप भी अपनी इसी तरह से किसी प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर ऐसे ट्रायंगल के साथ नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर ऑल को ऑन कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।